हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिठुन। आप सभी को आपके चैनल इजी गार्डनिंग प्लान में स्वागत है। ये है मेरा गाजनिया प्लांट। ये वैसे तो गाजनिया विंटर का पौधा है, अभी विंटर ख़त्म होने वाला है, लेकिन देखिए ये मेरा जो गाजनिया है इसे हम लेके आए थे क्योंकि इसमें अभी बहुत ही कुछ दिनों तक फ्लावरिंग होगा। इसमें देखिए ये तो इसमें ये तो फ्लावरिंग हो गया है, ये भी कुछ दिन बाद खिलेगा। और जैसे जो गाजनिया है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको केयर करना बहुत ही आसान है और विंटर सीजन का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप ज़रूर इसको विंटर सीजन में आपके गार्डन में जगह दे सकते हो। ये जो गाजनिया है इसका मिट्टी वेल ड्रेनेज मिट्टी होना चाहिए और इसमें खाद जो घर का किचन वेस्ट है उससे रेडी किया हुआ खाद देने से ही हो जाता है। देखिए मैंने इसमें मास्टर किक जो है वो डाल था हूँ और इसका देखिए ढेर सारे अभी इसमें कलिया आया है, बहुत ही सारे अभी भी, बहुत ही सारे 1 2 3 4 5 6 बहुत ही 6 7 कलिया अभी इसमें है, वो भी खिलेगा, ये भी ब्लूम करेगा कुछ दिन नहीं, आज शाम तक ये ब्लूम कर जाएगा। और देखिए इसको फ्लावर का कलर देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर एक प्लांट है। इसे धूप में एक जो पार्शियल सनलाइट होता है सुबह का हो या शाम का, एक बार इसमें धूप 3 4 घंटे के लिए पड़े तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं इसे इधर ही रखता हूँ, इधर ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, सुबह में एक बार पड़ता है और एकदम सूरज ढलने के समय एक बार यहाँ पे धूप पड़ता है। देखिए इसमें ही बहुत सारे फ्लावरिंग होगा। देखिए इसके पत्ता भी देखिए कितने सुंदर है, हेल्दी है ये प्लांट एकदम मेरा। देखिए इसका जो केयर करना भी बहुत ही आसान है, इसके टाइम टाइम पर पानी देना है और इसको पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुके रहे वो भी ध्यान देना है। वैसे तो कोई भी प्लांट हो जो गमले में रहता है उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो उसका रूट है वो गल जाता है, उसमें फंगस भी लग जाता है। इसीलिए जब भी कोई पॉटिंग करो कोई प्लांट तो हमेशा ही ध्यान रखना इसमें जो भी प्लांट हो उसमें ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुके रहे, जो वेल ड्रेनेज होना चाहिए। तो ये विंटर सीजन का एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। अभी तो फेब्रुअरी चल रहा है, इसका आज 21 है, तभी अभी भी इसमें कुछ दिनों तक बहुत ही सारे फ्लावरिंग होगा। इसमें देखिए ये जो है मैं जो खाद यूज़ करता हूँ वो मास्टर की चाय के पत्ते, केले के छिलके, जो भी किचन वेस्ट होता है वो मैं इधर फेंकता नहीं हूँ, उसे मैं अपने गार्डनिंग में इसको लगा देता हूँ। देखिए ये कैलेंडुला है, मिनी कैलेंडुला, इसके ऊपर वीडियो कर दिया मैंने। ये देखिए ये पिटूनिया है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया है। देखिए अभी तक कितने अच्छे अच्छे फ्लावरिंग हो रहा है। ये जारवेरा है, इसके ऊपर भी वीडियो हो गया है मेरा, ये भी जारवेरा है। देखिए कितना सा सुंदर खिलेगा अभी देखिए। और एक बात देखिए, ये मेरा पेंजी है, देखिए इसमें अभी भी कितने फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए मैं जो कहता हूँ वो खाद जो मैं देता हूँ वो कोई रासायनिक नहीं, वो पूरा एकदम मेरा घर का जो किचन वेस्ट है उसी से ही मैं इसका खाद रेडी करता हूँ और वही देता हूँ। केले के छिलका हो चाहे सब्जी का छिलका हो या चाय के पत्ती हो, मास्टर कीक, वो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ हर प्लांट में देना चाहिए। देखिए अभी भी कितना फ्लावरिंग हो रहा है, देखिए इसका सीजन भी चला गया है फिर भी देखिए फ्लावरिंग कितना है, देखिए बहुत ही अच्छा फ्लावर है।
ये इसके ऊपर भी वीडियो हो गया है मेरा, अभी भी कितना सब कितना फ्लावरिंग हो रहा है इसमें, चंदमुल्लिका। ये मेरा टमाटर है, टमाटर देखिए, इसमें मैं जो हिबिस्कस है उसका मैं कटिंग लगाए हुआ, अभी एक्सपेरिमेंट में है, अभी ये जब ग्रो करेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये अभी मैं एक्सपेरिमेंट में रखा हूँ, देखते हैं। इसमें डेट दिया हुआ 17/2/19 में, हम 17 तारीख को इसको हम पॉटिंग किया है कटिंग को, देखते हैं कितने दिन में इसमें पत्ता निकलना शुरू होता है। जब ये शुरू हो जाएगा इसका भी वीडियो हम छोड़ेंगे, आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ फ्रेंड, एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा, वो जो मैं जो नेक्स्ट जो जो वीडियो छोड़ा हूँ अगला, पहले मैंने लास्ट में जो मैं वीडियो छोड़ा हूँ उसमें जो मैं रेन लिली का रिपोर्टिंग हो या बल्ब से कैसे फिर से इसको उगाया जाता है वो शेयर किया था, तो तब मेरे पास जो का बाल्ब है वो बहुत सारे बाल्ब रह गया है, बहुत ही सारे रह गया है, उसको पॉटिंग करने के लिए मेरे पास वैसे कोई और जगह भी नहीं है। तो मेरा जो कलकत्ता का कोई व्यूअर होगा तो ज़रूर मेरे कमेंट करना वीडियो पे, मैं अगर मुझे संभव हो तो मैं ये ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत सारे हैं, रेन लीली बहुत ही अच्छा है, ये बारिश के मौसम में खिलता है, बारिश के साथ साथ ये बहुत ही सारे मेरा रह गया है। अगर किसी को चाहिए तो कलकत्ता का तो ज़रूर कमेंट करना, मैं हो सक संभव हो तो मैं ज़रूर इसको हम आप तक पहुंच देंगे। तो फ्रेंड, जो कह रहा था गैजनिया ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, अब ज़रूर इसको विंटर के शुरू में लगाइए। वैसे तो ये अभी सीजन इसका चला गया है, लेकिन अभी भी मेरा ये प्लान में बहुत ही देर तक फ्लावरिंग होगा, तो ज़रूर लगाइए आप। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फटाफट आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, खुश रहिए।